हेलो एवरीवन, आज की वीडियो होने वाली है जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करूंगी। और इस वीडियो में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के डाउट्स ही कर पाएंगे, बिकॉज डाउट्स तुम्हारे ज़्यादा थे और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो उसकी वीडियो अलग से डालूंगी, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। इसमें जो है काफ़ी डाउट्स हैं तुम्हारे, वो सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। ये वीडियो होने वाली, जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, उसके डाउट्स हैं उसके रिगार्डिंग होने वाले। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक क्वेश्चन था कि ऑक्सीटोसिन है इज मेनली हेल्पफुल इन या फिर हेल्प करता है, ऑक्सीटोसिन का क्या क्या काम होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आंसर दिया था यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। मैंने तुम्हें जानबूझ के रॉन्ग आंसर दिया था, बिकॉज ताकि तुम आइडेंटिफाई कर सको। अभी मैंने आंसर यूरिन फॉर्मेशन लगा दिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये यूरिन फॉर्मेशन करेक्ट आंसर हो, बिकॉज ये आंसर्स मैंने खुद सेट किए हैं। तो मैंने जानबूझ के डाला था ताकि तुम आइडेंटिफाई कर सको। मैंने दो क्वेश्चंस इसमें जिनका आंसर, ये क्वेश्चंस गलत नहीं है बट इनके आंसर मैंने गलत डाल दिए थे, इसमें जानबूझ के किए थे, इनमें से ही सही आंसर भी है, ठीक है। तो ताकि ऐसे ऐसे मैं एक दो उसके बाद करती रहूँगी, तो तुम्हें बताना है मुझे कि यहाँ पे मैम हमें डाउट है, ठीक है। तो इसका आंसर ये नहीं है, बिकॉज यूरिन का तो ऑक्सीटोसिन से बहुत दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, जैसे हमें पता है कि ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है, कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है किसके टाइम पे, पार्चुरेशन, जिससे क्या होगा, चाइल्ड बर्थ होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो चलो, ये एक अपना एक क्वेश्चन था कि टू मेंटेन मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी समझाऊंगी आज, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करने के लिए हार्मोन कौन कौन सीक्रेट करेगा। वहाँ पे आंसर मैंने ये पुट किया था, ठीक है, ये मैंने आंसर में डाल दिया था कि पिट्यूटरी एंड यूट्रस, जबकि ये क्या है, रॉन्ग है, जानबूझ के डाला गया था। तो इसका आंसर दिखाती हूँ कैसे आएगा, बहुत ही ईजी है। जैसे हमारे पास एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो उसमें तुम देखोगे कि इस डायग्राम में क्या लिखा गया है, सबसे नीचे यूट्राइन इवेंट्स, मतलब यूट्रस में तो क्या होंगे, चेंजेस होंगे, यूट्रस कभी भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता। ओवेरियन हार्मोन लेवल, मतलब ओवरी क्या कर रही है, उसके हार्मोन का लेवल यहाँ पे किया जा रहा है, ओवरी हार्मोन सीक्रेट कर रही है एंड देन क्या कर रही है, पिट्यूटरी इज सीक्रेट कर रही है। तो इन दोनों के द्वारा क्या होगा, लेवल जो है वो मेंटेन होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तुम यहाँ पे देख सकते हो क्या आएगा, पिट्यूटरी एंड ओवरी। अबाउट द थर्ड क्वेश्चन, इन गैमेटोजेनेसिस रिडक्शनल डिवीजन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, तो इसके लिए भी मैंने तुम्हें एक डायग्राम समझाया था यहाँ पे एक मिनट, किया था हमने स्टार्टिंग में करवाया था, जैसे मैंने क्रैश कोर्स की जब क्लासेस ली तब, हाँ ये डायग्राम था। इसमें हमने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैच्योरेशन तीन फेजेस थे। तो हमें रिडक्शनल डिवीजन के बारे में बताना है, रिडक्शनल डिवीजन मतलब क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ रह जाएंगे, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाएंगे। तो अभी देखो, मल्टीप्लिकेशन में सेम है, ठीक है, ग्रोथ में क्या है, सेम है, एंड मैच्योरेशन में क्या है, फर्स्टली देखो मैच्योरेशन का ये क्या होगी, ये फर्स्ट स्टेज होगी मैच्योरेशन की, ग्रोथ से नीचे वाली। तो इसमें क्या हो रहा है, फर्स्टली क्या हो रहा है, 44 से क्या हो गया, 22 हो गया, क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, हाफ होंगे। तो यहाँ पे ही हो तो किस में रहा है, मैच्यूरेशन में। बट हमें किस पे जाना है, हमें ये जाना है कि कौन से ऑप्शंस दे रखे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में फर्स्ट मैच्यूरेशन भी है एंड सेकंड मैच्यूरेशन भी है, तो हम प्रायोरिटी पे जाएंगे और किसको टिक करेंगे, फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट मैच्यूरेशन को, क्लियर। देन अबाउट द सेल डिवीजन इन जाइगोट इज कॉल्ड, तो डिवीजन, जो सेल डिवीजन होता है जाइगोट में, उसके अदर नेम्स क्या क्या हैं, क्लीवेज, सेगमेंटेशन, सेलुलेशन, ठीक है, ये इसके नाम ही हैं एज इट इज, ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है कि इनमें कोई लॉजिक हो या फिर ऐसा कुछ। इनको जाइगोट में जो सेल डिवीजन है उसको क्लीवेज भी बोलेंगे, उसको ही सेगमेंटेशन बोलेंगे और उसको ही सेलुलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। देन अबाउट समझ लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझ लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्टली अबाउट देखो, तो मैं हार्मोन के बारे में समझा देती हूँ। जैसे फर्स्टली हमारे क्या होगा, इसमें फेज थी हमारे पास, सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन होगी, ठीक है, उसमें क्या होगा, सभी का लेवल, मैंने तुम्हें बताया था कि सभी हॉर्मोन्स का लेवल क्या रहेगा,
कम रहेगा। देखो फर्स्ट ब्लीडिंग फेज भी बोलेंगे इसको, ये मैंने क्लास के टाइम पे बताया था कि GnRH, FH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन इन सब का लेवल क्या रहेगा, कम। NCERT के डायग्राम में भी ये दिखा रखा है कि फर्स्टली इनका लेवल क्या है, कम रहेगा, ठीक है। देन ये जो ये डेवलपिंग फोलिकल्स हैं उनको भी समझा दूं मैं यहाँ पे कि उनके बारे में क्या दे रखा है। जैसे डेवलपिंग फोलिकल्स हैं उनका मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होगा, प्राइमोर्डियल फोलिकल। देखो यहाँ पे ध्यान से ये डायग्राम देखो, प्राइमोर्डियल फोलिकल किस में बदल जाएंगे, प्राइमरी फोलिकल। मेंस्ट्रुएशन चल रही है, प्राइमोर्डियल फोलिकल किस में बदल जाएंगे, प्राइमरी फोलिकल। मतलब NCERT में ये क्या दिखा रहा है कि डेवलपिंग फोलिकल्स हैं, प्राइमोर्डियल किस में बदल रहा है, प्राइमरी फोलिकल्स में, क्लियर। देन अबाउट देखो फिर फोलिकुलर फेज में क्या हो रहा है, इन हॉर्मोन्स का लेवल क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। हमने भी यही पढ़ा था कि फोलिकुलर फेज में क्या होगा, GnRH, FSH, LH एंड एस्ट्रोजन इन सब का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। याद रखो इन सब का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो चलो NCERT के डायग्राम से देख लें, NCERT के डायग्राम से भी यही पता चल रहा है। देखो फोलिकुलर फेज ये है हमारे पास और यहाँ पे सभी हॉर्मोन्स का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे तुम फॉलिकुलर फेज देख सकते हो। तो इसमें देखो यहाँ पे ऊपर बता रखा है ये, ठीक है। इसमें क्या होगा, अब ये सेकेंडरी में बदल जाएगा, देन ये आगे मतलब मैच्यूरेशन होता रहेगा इसमें, और वो भी हम देखेंगे, ठीक है। बट तुम्हें याद क्या रखना है, यहाँ पे इन हॉर्मोन्स का लेवल कैसे जा रहा है NCERT के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आगे देखो, सेकेंड फेज तक हमने कर लिया है, अभी ल्यूटियल के बारे में करेंगे, ठीक है। देन अबाउट द ल्यूटियल फेज, जब मैंने पढ़ाया था तुम्हें तो बताया था ल्यूटियल के दूसरे नाम से सीक्रेटरी भी बोलेंगे, ठीक है, पोस्ट ओवुलेटरी फेज भी बोलेंगे और फोलिकुलर को प्री ओवुलेटरी भी बोलेंगे, ठीक है। ल्यूटियल में क्या होगा, GnRH, LH, FSH क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। याद रखना ये क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो देखो कहाँ पे कम हो रहे हैं, FSH, LH देखो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, इनका लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी इनका लेवल क्या दिखा रखा है, कम ही दिखा रखा है, ठीक है। ये डायग्राम है वो मेनली बता रखा है तुम्हें, प्राइमोर्डियल से प्राइमरी देन सेकेंडरी कब बदल रहे, मेच्योर देन ओवुलेशन होगा, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकन्स बनेगा। जैसे यहाँ पे NCERT ने लिख नहीं रखा कि ये क्या है, जैसे कॉर्पस एल्बिकन्स है ये तो ये तुम इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि NCERT के डायग्राम्स हैं उनसे अच्छे से क्या वो मतलब क्या इंडिकेट करना चाह रहा है। वैसे भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिख रखा है, बट प्राइमोर्डियल प्राइमरी अच्छे से डिफाइन नहीं कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। देन अबाउट टर्मिनल स्टेज में क्या होता है, इसी के टर्मिनल स्टेज में कि इनका लेवल कम कैसे होता है। तो जैसे ही हम देखेंगे कि ल्यूटियल में प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज़्यादा था, तो प्रोजेस्टेरोन जो होगा वो नेगेटिव फीडबैक देगा, ठीक है। जो हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है वो नेगेटिव फीडबैक देता है। नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक दो चीज़ें होती हैं। अगर नेगेटिव फीडबैक देगा तो क्या हो जाएगा, हॉर्मोन्स का लेवल कम करने के लिए दे रहा है, पॉजिटिव मतलब बढ़ाने के लिए कि कम हो गया है ज़्यादा कर दो। नेगेटिव फीडबैक देगा प्रोजेस्टेरोन, जिसकी वजह से GnRH, LH, ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। GnRH, LH डिक्रीज हो जाएंगे और फर्दर किसका क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कम हो जाएंगे, किसकी वजह से, डीजनरेशन हो गया, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम का क्या हो गया, डीजनरेशन हो गया, उसकी वजह से हो जाएंगे। NCERT के डायग्राम को समझते चलो, यहाँ पे क्या हो गया, ये इनके बारे में बता रहा है कि FSH, LH और ये कम क्यों हो रहे हैं यहाँ पे। देन ल्यूटियल फेज समझ लिया, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट साइकिल अपनी क्या हो जाएगी, बिगिन हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, बट तुम्हें याद रखना है कि इस डायग्राम को अच्छे से याद रख लो, ठीक है। इस डायग्राम से कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, यहाँ पे इनमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, इन फॉलिकल्स को देखो, इन हॉर्मोन्स को देखो, ठीक है। एंड थोड़ा सा और मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर ही दिया, आई थिंक क्लियर हो गया होगा तुम्हें। देन अबाउट ओवरी के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ओवरी के बारे में बता दूँ इसका थोड़ा सा डायग्राम और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी, ठीक है। लाइक ओवरी है,
ठीक है, ओवरी क्या सीक्रेट करेगी, ओवम, ओवम इसमें इस कैविटी में सीक्रेट होगा, ठीक है, ये क्या होंगी, फिम्ब्रियाई होंगी, ठीक है, इनफंडिबुलम इसका फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है, इनफंडिबुलम के यहाँ पे बिल्कुल एंड पे फिम्ब्रियाई होती हैं जो क्या कर लेंगी, इसको कैच कर लेंगी ओवम को, ठीक है, ऐसे कैच कर लेंगी, एंड कैच करने के बाद इसके बाद इसका फेलोपियन ट्यूब के थ्री पार्ट्स होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, ठीक है, कैच करने के बाद वो क्या होगा, इनफंडिबुलम में जाएगा, देन एम्पुला में जाएगा, देन किस में जाएगा, इस्थमस में जाएगा, ठीक है। अबाउट दिस स्ट्रक्चर इसको क्या बोलेंगे, यूट्राइन कैविटी, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, यूट्राइन कैविटी है ये, और ये है यूट्रस, तो इसकी थ्री लेयर्स हैं, जैसे मैंने तुम्हें क्लास में भी बताया था कि तीन लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और ठीक है पेरीमेट्रियम। एंडो मीन्स होता है इनर साइड वाली, ठीक है, एंडो मतलब इनर साइड वाली है ये, मायो मीन्स मिडल वाली है, और पेरी मीन्स क्या होगी, ये बाहर वाली होगी, ठीक है। देन इस्थमस से यहाँ पे आएंगे हम, ठीक है। देन अबाउट इस यूट्रस में आने के बाद ये पार्ट क्या होगा, सर्विक्स होगा, ठीक है, देन ये सर्विकल कैनाल होगी, और देन ये नीचे क्या होगा, वेजाइना होगा, ठीक है। ये डायग्राम मैंने बता दिया, फिर थोड़ा थोड़ा तुम्हें बता देती हूँ, तुम्हें यहाँ डाउट था, तो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में क्या होगा, दो ओवरीज, दो ओविडक्ट, ओविडक्ट किसको बोल रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब को बोल रहे हैं, ठीक है, ओविडक्ट में कन्फ्यूजन हो तो, दो ओवरीज हैं दिख रहा है, दो क्या है, फेलोपियन ट्यूब है यहाँ पे, यूट्रस एक है दिख रहा है, यूट्रस, ठीक है, यूट्रस एक है, एंड सर्विक्स एक है, वेजाइना एक है, एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। तो ये बता दो फिर, देन प्राइम ओवरीज क्या होंगी, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगी जो क्या प्रोड्यूस करेंगी, ओवम और ओवेरियन हॉर्मोन प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। ओवरीज की लेंथ 2-4 सेंटीमीटर होती है, एंड ये तुम देख सकते हो, मैंने बता दिया, फेलोपियन ट्यूब की देख लो, फेलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होगी, 10-12 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इसके पार्ट्स कौन से, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, जो मैंने यहाँ पे तुम्हें क्लियर कर दिया, ठीक है। तो ये तो तुम्हारे डाउट्स के बारे में हो गया, यहाँ पे देख लूँ थोड़ा थोड़ा कुछ बाकी रह गया। तो आशीष का कमेंट है, तो मैम एनसीईआरटी 11th की और 12th की पढ़नी है, हाँ डियर एनसीईआरटी 11th की 12th की पढ़नी है, उसी का सिलेबस आता है हमारी बीएससी नर्सिंग में, पैरामेडिक्स में, ठीक है। तो ये पढ़ना है तुम्हें, और मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अभी साथ साथ भी पढ़ सकते हो क्रैश कोर्स में, ठीक है, क्रैश कोर्स में डेली क्लासेस चलती हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा बाहर से भी करते हैं हम, जैसे जहाँ से इंपॉर्टेंट रहता है, क्यूजेज आते हैं, और डेली क्यूज भी करते हैं, ठीक है। देन राधा का मैंने क्लियर कर दिया होगा, आई थिंक राधा, ठीक है, जिसका डाउट क्लियर हुआ वो बता देना, और जिसका कुछ पेंडिंग हो अब भी नहीं हुआ वो भी बता देना, ठीक है। काजल का ये मैंने बता दिया, काजल का भी, ठीक है, काजल तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अपने मार्क्स बताया करो यहाँ पे। और काजल, इन दोनों कमेंट्स का मैं कल तुम्हें रिप्लाई दूंगी, ठीक है, कल मैं इस पे जब वीडियो बनाऊंगी तब हम इनका रिप्लाई देखेंगे, ठीक है, तब इन सभी कमेंट्स का तुम्हारी रिप्लाई दे दूंगी। एंड यशुदेव का मेंस्ट्रुअल साइकिल इनका जो टॉपिक था वो मैंने बता दिया, ठीक है, ये भी कर दिया, आई थिंक यशुदेव तुम्हें भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है, और ये भी हो गया हमारा। देन काजल पीजीआई की जो कट ऑफ है वो भी हम देख लेंगे आगे, अभी इतनी नेसेसरी नहीं है, बट प्रीवियस ईयर मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बना रखी है, ठीक है, तुम वो जाके देख सकते हो, वरना दिस ईयर की जो कट ऑफ होगी उसके पे भी हम वीडियो बनाएंगे थोड़े दिन बाद, अभी क्या है अपनी थोड़ी प्रिपरेशन नहीं हुई, अभी एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं निकले हैं, तो अभी इतनी कट ऑफ की टेंशन मत लो, अभी प्रिपरेशन करो, ठीक है, वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगी टाइम से। देन विषम का मैंने रिप्लाई कर दिया होगा, हाँ कर दिया था, ठीक है, तो तुम भी कर सकते हो डियर, ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी पढ़ाती हूँ मैं, ऐसा नहीं मैं बिल्कुल इंग्लिश बोलती हूँ, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हिंदी भी मिक्स रहती है बिल्कुल, ठीक है। और इसका कब निकलने वाला है फॉर्म, उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है, इसका मतलब क्रैश कहाँ पे गया, कमेंट यहीं कहीं था, ठीक है, तो ये मैंने इस पे भी वीडियो बना रखी है, ठीक है, तुम जाके वो वीडियो देख लेना। राधा का हो गया, ठीक है, शिवानी ये फर्स्ट ईयर वाला हो गया, ठीक है। देन एंट्रेंस वालों के लिए थी ये वीडियो, आई थिंक मैंने तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिगार्डिंग, ठीक है, सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों तो कमेंट में बताना, नहीं हुए हों तो अभी मेंशन कर देना, कल वाली वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे उनको, ठीक है। और चलो
लाइक कर दियो, अच्छी लगी हो तो। चलो बाय बाय।